आत्मकथ्य। ये बात है जब हमारे लेखक जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित नाटक स्कंदगुप्त बहुत वायरल हुआ, जिसके बाद लोगों ने जयशंकर प्रसाद जी से अपनी आत्मकथा लिखने का आग्रह किया। लेकिन जयशंकर प्रसाद जी हमेशा मना कर दिया करते थे। उनका मानना था, मेरी जिंदगी तो दुखों से भरी हुई है, मैं जो बनना चाहता था वो मैं कभी बन ना सका, जिसे बहुत प्यार किया, जिसे मैं पाना चाहता था, जिसे अपना बनाना चाहता था, उसे मैं चाह कर भी कभी पा ना सका, कभी अपना बना ना सका। इन सारे दुखों को मैं भला कैसे लिख दूँ। लेकिन लोगों के आग्रह आने बंद नहीं हुए, और एक बार तो उन्हें अपने बहुत अच्छे दोस्त का भी पत्र मिला, जिसमें उन्होंने भी लेखक से अपनी आत्मकथा लिखने का आग्रह किया। जिसके बाद लेखक जयशंकर प्रसाद जी अपने उस मित्र और हम सभी को अपनी आत्मकथा ना लिखने का कारण बताते हुए इस कविता को लिखते हैं, जिसका नाम है आत्मकथ्य। हमारी इस कविता में टोटल 3 स्टैंजास हैं, जिन्हें हम पहले तो एनिमेशंस के साथ बहुत अच्छे से समझेंगे, एंड देन वर्ड बाय वर्ड पूरे स्टैंजा को पढ़ेंगे। तो हमारे पहले स्टैंजा की पहली 2 पंक्तियों में कवि अपने दोस्त से कहते हैं, आज जब तुम्हारे कहने से मैं अपनी आत्मकथा के बारे में सोच रहा था, तो एक एक करके मेरे जीवन के सारे दुख सारे दर्द मेरे सामने आने लगे। मैं तुम्हें अपने जीवन की भला क्या कहानी बताऊं, मेरा जीवन तो सिर्फ दुखों से भरा रहा। इन्हीं बातों को कवि जयशंकर प्रसाद जी लिखते हुए कहते हैं, मधुप गुनगुना कर कह जाता है कौन कहानी यह अपनी। मधुप मतलब होता है भंवरा, मतलब आज मेरा मन किसी भंवरे की तरह मेरी अतीत की कहानियों को याद करते हुए गुनगुना रहा है। मुरझा कर गिर रही पत्तियाँ देखो कितनी आज घनी, मतलब कि जिस प्रकार एक हरे भरे पेड़ से धीरे धीरे सारी पत्तियाँ मुरझा कर गिर जाती हैं, ठीक उसी प्रकार मेरी जिंदगी जो कभी किसी हरे भरे पेड़ की तरह खुशियों से भरी हुई थी, आज एक एक करके वो सारी पत्तियाँ मुरझा कर गिरती जा रही हैं। मतलब मेरा जीवन जो कभी खुशियों से भरा हुआ था, आज उनकी जगह दुख और निराशा ने ले ली है। तो वहीं हमारे आगे की 2 पंक्तियों में कवि कहते हैं, इतिहास में ना जाने कितने लेखकों ने अपनी आत्मकथाओं में अपनी नाकामयाबी और अपनी कमियों को लिखा, और खुद ही दुनिया के सामने अपना मजाक बना लिया। इन्हीं बातों को कवि जयशंकर प्रसाद जी हमारे आगे की पंक्तियों में लिखते हुए कहते हैं, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। अनंत नीलिमा मतलब होता है अनंत तक फैला हुआ आसमान, मतलब कि इस गहरे और अनंत तक फैले आसमान में या इस अनंत तक फैली दुनिया में लेखकों के द्वारा असंख्य जीवन इतिहास या आत्मकथाएं लिखी गई हैं। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। यहाँ पर लो मतलब लोगों से हैं, और मलिन उपहास मतलब होता है गंदा वाला मजाक, मतलब कि यह लोग तो अपनी आत्मकथाएं लिखकर अपना गंदा वाला मजाक बनवाते रहते हैं। तो वहीं हमारे आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, जब तुम जानते हो कि लोग मेरी आत्मकथा पढ़कर मेरा मजाक बनाएंगे, मुझ पर हंसेंगे, क्या फिर भी तुम चाहते हो कि मैं अपना दुखड़ा लोगों के सामने रख दूँ? क्या यह जानकर तुम्हें खुशी मिलेगी कि मेरा जीवन किसी खाली घड़े के समान है, इसमें एक भी खुशियाँ नहीं, मेरा जीवन का घड़ा सिर्फ दुखों से भरा हुआ है। इन्हीं बातों को कवि लिखते हुए कहते हैं, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी भीती, क्या फिर भी तुम चाहते हो कि मैं लोगों के सामने कह दूं अपनी सारी दुर्बलताओं को, अपनी सारी कमियों को, ये जानते हुए कि इतिहास में न जाने कितने लेखकों ने अपनी आत्मकथा लिखकर खुद से खुद का मजाक बनवा लिया। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। गागर रीति मतलब होता है खाली गढ़ा, मतलब क्या तुम्हें मेरी आत्मकथा पढ़कर खुशी मिल पाएगी जब तुम ये जानोगे कि मेरा जीवन खाली घड़े के समान है, जिसमें खुशियों की एक भी बूंद नहीं। तो वहीं हमारे अगले काव्यांश की पहली 2 पंक्तियों में कवि अपने मित्र से कहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जिंदगी की आत्मकथा को पढ़कर तुम्हें ऐसा लगने लगे कि मेरे सारे दुखों का कारण
तुम ही हो। इन्हीं बातों को कवि लिखते हुए कहते हैं, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद को ही मेरी जिंदगी के दुखों का कारण समझने लगो। मेरा रस ले अपनी भरने वाले, मतलब जो मेरी जिंदगी के रस को, जो मेरी जिंदगी की खुशियों को छीनकर अपने जीवन में भर रहा हो, मतलब जो मेरी खुशियों को छीनकर अपना जीवन खुशहाल बना रहा हो। तो वहीं हमारे आगे की दो पंक्तियों में कवि कहते हैं, मेरी सरलता और शांत स्वभाव के कारण मुझे बहुत से धोखे मिले, तो क्या मैं अपनी आत्मकथा लिखकर अपनी सरलता और शांत स्वभाव का मजाक बनवाऊं? इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात भला मेरे लिए और क्या होगी। इन्हीं बातों को कवि लिखते हुए कहते हैं, यह विडम्बना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। विडम्बना मतलब होता है दुर्भाग्य, और सरलते मतलब सरल प्लस ते मतलब सरल मन, मतलब कि ये तो मेरा दुर्भाग्य होगा ना अगर मैं खुद से ही अपने सरल मन की हंसी उड़वाऊं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। भूल मतलब होता है गलतियां, वो कहते हैं ना सॉरी मुझसे भूल हो गई, और प्रवंचना मतलब होता है धोखा या छल कपट, मतलब कि कैसे मैं अपनी गलतियां और खुद के साथ हुए छल कपट को दूसरों को दिखा दूं अपनी इस आत्मकथा के माध्यम से। तो वहीं हमारे आगे की इन पंक्तियों में कवि थोड़े से रोमांटिक मूड में हैं, और वो अपने प्यार को याद करते हुए कहते हैं, मैं उनके साथ बिताए उन खूबसूरत पलों को भला तुम्हें कैसे बताऊं, मैं कैसे बताऊं उनकी मुस्कुराहट को, मैं कैसे बताऊं उनकी प्यार भरी बातों को, उनके साथ बिताए उन खूबसूरत चांदनी रातों को। इन्हीं बातों को कवि आगे लिखते हुए कहते हैं, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। उज्ज्वल मतलब होता है खुशियों से भरी हुई, और गाथा मतलब कहानी, मतलब उनके साथ बिताई उन मीठी मीठी चांदनी रातों की खूबसूरत कहानियाँ मैं तुम्हें भला कैसे बताऊं। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, और मैं तुम्हें कैसे बताऊं उनकी उन चांदनी रातों में खिलखिलाकर हंसते हुए उन रोमांटिक बातों को। आगे की लाइनों में कवि बताते हैं, जिन्हें मैं बहुत प्यार करता था, जिन्हें मैं पाना चाहता था, जिन्हें हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता था, वो मुझे आधे सफ़र में ही अकेले छोड़कर चली गई। ये कहानी मैं कैसे सुनाऊंगा तुम्हें। इन्हीं बातों को कवि आगे लिखते हुए कहते हैं, मिला कहाँ वो सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, मतलब मुझे वो सुख वो खुशियाँ कहाँ मिल पाई जिन्हें पाने का ख्वाब मैं कभी देखा करता था। आलिंगन में आते आते मुस्कया कर जो भाग गया, आलिंगन में मतलब बाहों में, और मुस्कया कर मतलब मुस्कुरा कर, मतलब वो खुशियाँ वो प्यार जिन्हें मैं पाना चाहता था, जिन्हें मैं अपना बनाना चाहता था, वो मेरी बाहों में बस आते आते अचानक से मुस्कुरा कर मुझसे हमेशा के लिए दूर चले गए। और वहीं हमारे तीसरे और आखिरी काव्यांश की पहली दो पंक्तियों में कवि अपने प्यार की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं, जब भी मैं सुबह सुबह के लाल आसमान को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये हल्का हल्का लाल आसमान इस लाल रंग को मेरे प्यार के प्यारे प्यारे लाल गालों से चुराया हो। इन्हीं बातों को कवि लिखते हुए कहते हैं, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अरुण कपोले मतलब लाल लाल गाल, और मतवाली मतलब होता है मस्त कर देने वाली, मतलब उसके सुंदर सुंदर मस्त कर देने वाले लाल लाल गालों की छाया में ऐसा लगता था मानो अनुरागनी ऊषा लेती है निज सुहाग मधुमाया में। अनुरागनी मतलब होता है प्रेम से भरी हुई, ऊषा मतलब होता है सुबह, और सुहाग से मतलब यहाँ लालिमा या लाल रंग से है, मतलब उनके लाल लाल गालों को देखकर ऐसा लगता था मानो ये प्रेम से भरी हुई सुबह की लालिमा अपना लाल रंग उनके गालों से ही चुराई हो। तो वहीं हमारे आगे की दो पंक्तियों में कवि कहते हैं, उनके साथ बिताए वो खूबसूरत पल ही
मेरे जीने का एकमात्र सहारा है। मैं उन खूबसूरत पलों की यादें किसी को भी नहीं बताना चाहता, और अगर मैं ऐसा करता भी हूँ तो उनके साथ बिताए सिर्फ खूबसूरत लम्हे नहीं, बल्कि उनके बिना वो दर्द भरी रातें भी मेरे सामने आ जाएंगी, और उन बहुत मुश्किल से भरे घावों को मैं वापस से खुरीदना नहीं चाहता। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। स्मृति मतलब होता है यादें, पाथेय मतलब सहारा, पथिक मतलब पथ पर चलने वाला या फिर यात्री, और पंथा मतलब पथ या रास्ता। मतलब उनकी वो खूबसूरत यादें ही मेरे जीने का एकमात्र सहारा है, जो इस थके हुए यात्री को आगे चलते रहने को प्रेरित करती हैं। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। सीवन मतलब होता है सिलाई, उधेड़ना मतलब ताके तोड़ना, और कंथा मतलब होता है कथा या फिर कहानी। मतलब क्या तुम मेरे इन जख्मों के टाकों को उधेड़ कर मेरी दुख भरी कहानी जानना चाहते हो। तो वहीं हमारे आगे की दो पंक्तियों में कवि कहते हैं, मैं भला अपनी आत्मकथा में लिखूंगा क्या, मैंने तो अभी तक कोई ऐसी उपलब्धि भी हासिल नहीं की है जिसे पढ़कर तुम्हें खुशी मिले। और खुद की आत्मकथा लिखने से अच्छा तो यही रहेगा ना कि मैं चुपचाप बड़ी शांति के साथ दूसरों की आत्मकथाएँ पढ़ूँ और उनसे प्रेरणा प्राप्त करता रहूँ। इन्हीं बातों को कवि लिखते हुए कहते हैं, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। मतलब इस छोटे से जीवन में मैंने ऐसी कोई बड़ी उपलब्धियां हासिल भी नहीं की हैं जिनकी कहानियां मैं तुम्हें सुना सकूं, या जिनके बारे में जानकर तुम्हें खुशी मिले। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। मतलब खुद की आत्मकथा लिखने से अच्छा तो यही रहेगा ना कि मैं मौन रहकर दूसरों की आत्मकथाएं पढ़कर उनसे ही प्रेरणा प्राप्त करता रहूं। तो वहीं हमारे इस काव्यांश की आखिरी दो पंक्तियों में कवि कहते हैं, मेरी इस भोली भाली आत्मकथा को सुनकर तुम्हें कोई भी प्रेरणा नहीं मिलेगी जिसे सुनकर तुम दुनिया का कोई भला कर सको। और वैसे भी अपनी आत्मकथा लिखने का यह सही समय नहीं है। मेरा दुख मेरा दर्द अभी शांत है, उन्हें दोबारा से याद कर मैं दुखी नहीं होना चाहूँगा। इन्हीं बातों को कवि लिखते हुए कहते हैं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। मतलब मेरी इस भोली भाली आत्मकथा को सुनकर तुम्हें कोई ऐसी प्रेरणा नहीं मिलेगी जिसे सुनकर तुम इस दुनिया का भला कर सको। अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। व्यथा मतलब होता है दुख। मतलब अपनी आत्मकथा लिखने का ये सही समय नहीं, अभी मेरा दुख मौन है मतलब शांत है, उन्हें दोबारा से याद करके मैं दुखी नहीं होना चाहता। तो बस यहीं पे ख़त्म होती है हमारी ये प्यारी सी पोयम। वैसे आपसे मैं एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा, अगर आपको अपने सपनों और अपने प्यार के बीच किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनोगे, मुझे कमेंट्स में बताना ज़रूर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में हमारे अगले चैप्टर के साथ, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।